सुफो चले, ए सुफो चल जा रहा हूँ मैं, ए गुन्ने गुन्ने चल भाई ठीक है, बाय बाय। तू चली रही है, चले बड़ी मम्मी खुशबू लगाई तो मोनू भाई ठीक हो कहाँ जा रहे हो भैया? रोड कनाडा जाता है क्या ये वाला रोड? कनाडा? अच्छा मिलते हैं, आ जाओ द लास्ट राइड। ओके इट्स गुड बाय टू माय लेला यार, लेला में जा रहा हूँ, बाय बाय टेक केयर। ये तो भाई इतने स्लोली स्लोली आ रहे हैं, इसके अभी से प्लान है इसके तो छोड़ने भी नहीं ढंग से मेरे को। ये वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरा सामान लेके चल रहे हो आप, कूली बने हुए हो। मुझे तो लगा राशन कार्ड नहीं तो नाम बदल जाएगा ऐसी। चलो भाई कोई बात नहीं, अब उठा रहे पूरी लिफ्ट मेरी है। गिलना भाई अटेंडेंस ले सबके एक बार देखा ना, शुरुआत तो बड़ी अच्छे से। बस मेरे शेर बनाने का है अभी खींचू बस का बेटे। भाई मेरा नंबर कब आएगा? ओके गाइस सो ऑन माय ओन नाउ, अभी शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूँ यार, क्लिप्स देखी होंगी काफी रोए हैं वहां से पता चल रहा होगा।
अभी बोर्डिंग पास लेता हूँ, जरा सामान को चेक इन करवाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। इंटरनेशनल डिपार्चर, चलो भाई साहब। सिक्योरिटी पे इतनी लंबी लाइन है, ऑल अलोन भाई। दिल्ली ड्यूटी फ्री वेयर है भाई फाइनली। जो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, कम से कम भाई 4 घंटे पहले आओ आप दिल्ली एयरपोर्ट। इतनी ज़्यादा लाइन होती है सिक्योरिटी में, क्या बता ही नहीं सकता मैं आपको। देख रहे हो भाई, फुल भीड़ है भाई। हम आ गए ड्यूटी फ्री में। मेरा आम जनता से सवाल है, लुक्स सलून यहाँ पे क्या कर रहा है? इधर कौन आता है बाल कटवाने के लिए? हद हो गई। सो आई एम ऑल डन, एवरीथिंग डन। थोड़ी सी हालत बुरी हो गई है, लेकिन ऑल गुड। चलते हैं, आप बड़ी चेकिंग करवाते हैं और बहुत टाइम लेते हैं ये लोग यार। कम से कम 4-4.5 घंटे पहले आओ, तभी कुछ बात बनेगी। थका दिया, बेल्ट, शूज, चार्जर, एवरीथिंग भाई। एयरपोर्ट पे डिजर्व बेटर। एयर इंडिया से मैं दुखी हो गया हूँ। पहले मेरा जो गेट था दैट वाज 10A, देन दे कॉल्ड मी कि गेट चेंज हो के 9B हो गया है। अभी 10 मिनट पहले फिर कॉल आई है कि 22B हो गया है, तो मेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा उस साइड, 17 से 26 वाली साइड। ये रहा हमारा प्लेन। ओके गाइस, बाय बाय इंडिया। पता नहीं नेक्स्ट कब लैंड करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम जस्ट गोइंग विद द सिंगल ट्रिप राउंड, नॉट राउंड टिकट, बट जस्ट सिंगल टिकट। अब पता नहीं कब दोबारा इस कारपेट पे पैर चढ़ेंगे। इनटू द प्लेन। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है, हर बार मेरे को विंडो सीट मिल जाती है, दैट्स गुड। यहाँ से चलते हैं दुबई, फिर बात करते हैं। यहाँ पे फोटो अच्छी आएगी तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे यूजर ने मारा होगा, वहाँ पे लाइव अपडेट्स आते हैं। हम नीचे आ जाएंगे, अपना फेस मास्क हटाए, ऑक्सीजन मास्क को अपने खींचे, नाक और मुंह पर लगाए और सामान्य रूप से सांस लेते रहे। भाई मैंने अभी रियलाइज करा इसमें टीवी नहीं है, इसमें टाइम पास कैसे होगा यार। अच्छा है खाली 3 घंटे की है, वरना तो मैं मर जाता। बाय दिल्ली, सी यू सून। सेफ रूट आया था हमारा यहाँ के लिए। दुबई टच डाउन भाई, पता नहीं लोग क्यों खड़े हो जाते हैं। वेलकम टू दुबई हबीबी। मैं इतना आराम से निकला भाई फ्लाइट से कि बिल्कुल लास्ट में मैं ही था, एकदम खाली। देखो कोई भीड़ है ही नहीं मेरे सामने ना मेरे पीछे कोई है। चलो पहुंचते हैं अभी, यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है टू टोरंटो। भाई यार कितना बड़ा एयरपोर्ट है, अराइवल आ ही नहीं रहा है भाई इसका, ना बैगेज क्लेम आ रहा है। चलते ही जा रहे हैं। 4 बार तो ये एस्केलेटर आ चुका है जो स्ट्रेट चलने वाले होते हैं। थक गए भाई, देखो मेंटो जिंदगी आगे लेके चल रहे हैं इसको, पीछे नहीं। ये दिल्ली के ड्राइवर अंदर बीच में से निकालते हुए। भाई मैं आ गया हूँ टैक्सी के अंदर दुबई में, गोइंग टू T3। भाई साहब ये क्या हुआ, क्या टर्मिनल है भाई, खतरनाक। ये तो 5-star होटल है बिल्कुल। चलो चले।
भाई मैं ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई फर्स्ट टाइम एंड क्या टेक्नोलॉजी है यार भाई। मैं स्मार्ट गेट की तरफ आया, उन्होंने फोटो स्कैन करी एंड माय नेम वाज देयर, माय डिटेल्स वर देयर। फोटो से भाई साहब नाइस। ब्यूटीफुल एयरपोर्ट दुबई है, और ये सब ना मिले तो क्या ही दुबई है। एयरपोर्ट पे शुरू हो गए भाई लोगों, M50 आए ब्यूटीफुल। जहाँ तक नज़र जाती है वहीं तक पैदल ही चलना है। इतना पैदल क्यों चलवा रहे हो भाई, अभी इतनी आदत नहीं है मेरे को, स्लोली स्लोली लगेगी। एंड द गुड थिंग इज़ कि मेरे पास जो अलाउड वेट था एयर इंडिया पे वो था 45 kg, मेरा 48 था, उन्होंने अलाउ कर दिया विदाउट एन एक्स्ट्रा चार्जेस। एंड सेम थिंग गोज टू एमिरेट्स ऑल्सो, हेयर इन दुबई अलाउड वॉज 46 एंड दे अलाउड मी 48, सो दैट्स वेरी कूल। यार ये दुनिया का ना इकलौता एयरपोर्ट होगा जिसमें उल्टे गेट्स आ रहे हैं, पहले 24 आया फिर 23 आया 22, फिर जल्दी जल्दी मतलब C4 में, तो C4 में जाना मुझे जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में आएगा जाके, हद हो गई बिल्कुल। आज तो बस आना, जैसे जैसे विशेष भाई कहते थे ना हमेशा से कि बेटा बहुत टायर घिस लिए, बहुत तेल फूक लिया, अब स्टैमिना बढ़ाओ और घुटने घिसो जूते घिसो चलो। मैंने पिछली फ्लाइट में बोला था मेरी किस्मत अच्छी है, हर बार विंडो सीट मिलती है, इसी बार नहीं मिली। बट द गुड थिंग इज़ कि इसमें TV भी है एंड दिस इज मच बेटर एंड मोर मच मोर कम्फर्टेबल दैन एयर इंडिया, तो एमिरेट्स थम्स अप। ओके सो इमिग्रेशन डन एंड इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। अब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें थी क्या क्या नहीं थी। एक बार पहले बस मैं ना पहुंच जाऊं अपने Airbnb पे, तसल्ली से बैठ के समझाऊंगा सारा प्रोसेस। फाइनली इन कनाडा YYZ टोरंटो एयरपोर्ट, गोइंग टू कलेक्ट माई लगेज। हाथ मुंह धोया है और यहाँ पे अब मेरे को लगेज क्लेम करना है, पता नहीं मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इशू हो गया था, इतने इम्पोर्ट नहीं तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा उस चीज़ को। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड लग रही है मेरे को हल्की हल्की। अब गाइज उबर बुक कर दी है और जब बस वेट कर रहा हूँ कि जैसी वो गाड़ी आती है उसमें बैठ के फिर चलेंगे अपने Airbnb में एंड देन वील हैव सम रेस्ट। ओह बहुत लंबा सफ़र हो गया भाई, ये तो बहुत लंबा। गाइज दिस इज माई फर्स्ट टाइम जब मैं किसी एयरपोर्ट से एग्जिट कर रहा हूँ और देयर इज नो वन टू पिक मी अप। बड़ी वियर्ड फीलिंग है, अजीब भी लग रहा है। इमिग्रेशन प्रोसेस, सो किसी भी प्रोविंस में लैंड करो कनाडा के, सबसे पहले आपकी इमिग्रेशन वहीं पे होती है। मतलब बेसिकली इमिग्रेशन वहीं पे होती है जहां पे आप लैंड करते हो। फर्स्टली वहां पे स्मार्ट मशीन लगी होती है जहां पे आप लाइन बाय लाइन जाते हो, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हो, आपकी एक फोटो होती है, आपके डेटा सब कुछ वहां पे आ जाता है। देन
then you go to a officer and who checks your passport and visa and everything, then he or she asks कि आप किस purpose से आए हो. अगर आप travel वगैरह होते तो आपको immigration one पे भेज देते हैं, जहाँ पे आप फटाफट tourist की तरह clear हो जाती हो. अगर आप study या work permit की तरफ से आते हो, कोई और reason होती है, कोई जिसमें थोड़ा paper work involved होता है, तो आपको इमिग्रेशन टू काउंटर पे भेजेगी. इमिग्रेशन टू एक रूम होता है, वहाँ पे आपको लेके जाते हैं. वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वर्क ऑफिसर्स होते हैं, जो वर्क परमिट और स्टडी परमिट लेने के लिए जाते हैं. वहाँ पे काफी लंबी लाइन होती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट किसी और जगह की भी है तो वो मिस हो सकती है, नो इशूज. वहाँ के ऑफिसर्स आपको दूसरे फ्लाइट में एडजस्ट कर देते हैं. अब इमिग्रेशन रूम टू के अंदर आपको अपना LOI तैयार रखना है. LOI के साथ आपको अपना कॉलेज को ऑफर लेटर और कॉलेज की फी रिसीप्ट और GIC, ये चार चीजें आपके पास हैंडी होनी चाहिए. ये चार चीजें हैं तो इट्स वेरी गुड. नहीं है तो आपके फोन में जरूर होनी चाहिए, वो फोन में भी देख लेते हैं. इसके बाद जब आप काउंटर में जाते हो तो बेसिकली वो दो ही सवाल पूछते हैं यार. सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स हो जाती हैं, जो नाम वगैरह होता है, ठीक है, कहाँ से आ रहे हो सब. उसके बाद मेन क्वेश्चन है वाई कनाडा और यही वाला कॉलेज क्यों आपने चुना है, दैट्स इट. और इसके अलावा कोई तीसरा कोई मेजर सवाल नहीं होता है, बस आपको एड्रेस याद होना चाहिए. हाँ, कॉलेज का एड्रेस, जहां पर रुकने वाले वो एड्रेस, वो दोनों आपको एड्रेस पता होना चाहिए. कंप्लीट एड्रेस नहीं पता हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको एरिया पता होना चाहिए. जैसे मैं हमर कॉलेज में आया हूँ तो मुझे पता है कि हमर कॉलेज इटोबिको में है और वो टोरंटो में लैंड करता है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लंदन में है, यूके वाला, वो ऐसे कंफ्यूज करते हैं. मेरे सामने चीजें हुई थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बंदा था तो वो कहता है लंदन में मेरा कॉलेज है. तो ऑफिसर ने उसे क्रॉस क्वेश्चन करा कि लंदन यूके वाला या लंदन कनाडा वाला, एंड ही वाज सो डम, उसने बोला कि यूके वाला. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम, ठीक है. सो नो इश्यूज, बेसिकली बस यही होता है, उसके बाद आप जा सकते हो. कनाडा 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 कनाडा.